दोस्तों ये हैं हमारी गुलदाउदी की वो कटिंग्स जो हमने 3 हफ्ते पहले छोटे गमलों में ट्रांसप्लांट करी थी। अब ये बड़े गमलों में रीपॉटिंग के लिए तैयार हो रही हैं। साथ ही ये हैं वो सैपलिंग्स जो 3 हफ्ते पहले मैं नर्सरी से लाया था, ये भी अब बड़े गमलों में रीपॉटिंग के लिए तैयार हैं। अब हमें इनकी रीपॉटिंग के लिए सॉइल मिक्स या गमले की मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत पॉल आपका मेट्रो गार्डनिंग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि गुलदाउदी का पॉटिंग मिक्स किस तरीके से बनाया जाता है। गुलदाउदी में मैक्सिमम फ्लावरिंग के लिए इसका पॉटिंग मिक्स सही तरीके से बनाना बहुत ज़रूरी है। इस पॉटिंग मिक्स में 9-10 आइटम मिक्स होते हैं जिनको सही मात्रा में मिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए देखते हैं कि गुलदाउदी के पॉटिंग मिक्स को किस तरह से बनाते हैं। मेरे पास 100 गुलदाउदी के पौधे हैं जिनकी रिपोर्टिंग मुझे करनी है, पर मेरे पास अभी लगभग 20 गमलों की ही मिट्टी है जो कि काफ़ी कम है। तो बाकी 80 गमलों के लिए मिट्टी मुझे नर्सरी से लानी पड़ेगी। तो पहले चलते हैं नर्सरी और लाते हैं गार्डन सॉइल। दोस्तों ये है मेरे घर के पास वाली नर्सरी, यहाँ पर गार्डन सॉइल भी अवेलेबल है। मैंने चेक किया है, ये मिट्टी बिल्कुल साफ है, इसमें कोई कंकड़ पत्थर या गंदगी नहीं है। आप भी जब मिट्टी लेकर आएँ तो चेक करके लें कि मिट्टी साफ है, नहीं तो मिट्टी का इस्तेमाल करने से पहले उसे साफ करना पड़ेगा, छानना पड़ेगा, जो कि काफ़ी मेहनत का काम है। ये मिट्टी मुझे 50 रुपये बोरी के रेट से मिल रही है। ये नर्सरी वाले पुरानी खाली सीमेंट की बोरी में ये मिट्टी भर के देते हैं। मैंने यहाँ से 7 बोरी मिट्टी ली है और अब हम इसको अपने टेरेस गार्डन में लेकर चलते हैं। दोस्तों अब ये मिट्टी मेरे टेरेस गार्डन में पहुँच चुकी है, साथ में मिट्टी में मिलाने के लिए वर्मी कंपोस्ट की 2 50 किलो की बोरी भी हैं। इसको ऊपर चढ़ाने और सॉइल मिक्स तैयार करने के लिए मैं एक लेबर की हेल्प ले रहा हूँ। दोस्तों क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पौधे हैं इसलिए मुझे ज़्यादा सॉइल मिक्स की ज़रूरत है, पर ज़्यादातर लोग इतने पौधे नहीं लगाते। तो पहले ये सॉइल मिक्स मैं कम क्वांटिटी में कम गमलों के लिए तैयार करके दिखाऊंगा, जिससे कि हमारे वो व्यूअर्स जो कम पौधे लगा रहे हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाद में यही सॉइल मिक्स ज़्यादा क्वांटिटी में कैसे बनाना है ये भी हम देखेंगे। पहले मैं ये 8 इंच के गमले का प्रयोग कर रहा हूँ। मैंने यहाँ 2 गमले नॉर्मल गार्डन सॉइल, 1 गमला वर्मी कंपोस्ट और 1 गमला कोकोपीट लिया है। कुल मिला के ये 4 गमलों के लिए सॉइल मिक्स तैयार हो रहा है। आप अपने गमलों की संख्या के हिसाब से ये सॉइल मिक्स की क्वांटिटी घटा या बढ़ा सकते हैं। गार्डन सॉइल काफ़ी सख्त या हार्ड मिट्टी होती है और इसमें न्यूट्रिशन भी कम होता है। हम इसको डायरेक्ट गमले में इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें इसे पहले थोड़ा सॉफ्ट और न्यूट्रिशन से भरपूर बनाना पड़ेगा। तो इसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम मिलाएंगे इसमें कोकोपीट, जो कि इसको सॉफ्ट बनाने के साथ साथ इसे मॉइस्चर भी बना के रखेगा और इसे वेल ड्रेन्ड भी बनाएगा। इसके साथ हम मिला रहे हैं वर्मी कंपोस्ट, जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, पर ये काफ़ी नहीं है। इसमें अभी हम कुछ और ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स भी मिलाएंगे। इसमें हम 100 ग्राम बोन मील, 100 ग्राम नीम खली और 100 ग्राम सरसों की खली का चूरा मिलाएंगे। साथ ही इसमें हम 1 चम्मच या 10 ग्राम DAP, 10 ग्राम पोटाश, 10 ग्राम एप्सम सॉल्ट और 10 ग्राम ह्यूमिक एसिड ग्रैनुल्स भी मिलाएंगे। बोन मील कैल्शियम और फॉस्फोरस का एक अच्छा ऑर्गेनिक सोर्स है। ये प्लांट की रूट्स को डेवलप करने में हेल्प करता है, साथ में ये प्लांट की नई ब्रांचेस की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। सरसों की खली नाइट्रोजन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि पत्तों की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। नीम खली एक बहुत अच्छा नेचुरल पेस्टिसाइड है, ये पौधों को बहुत सी बीमारियों और कीड़े मकोड़ों से दूर रखता है। DAP में 18% नाइट्रोजन और 48% फॉस्फोरस होता है। नाइट्रोजन पत्तियों की ग्रोथ में मेन हेल्प करता है, पौधों को ज़्यादा हरा भरा बनाता है। फॉस्फोरस रूट ग्रोथ बढ़ाता है, पौधे को ज़्यादा स्ट्रांग ज़्यादा मजबूत बनाता है। पोटाश प्लांट्स में कलियाँ आने में हैवी फ्लावरिंग होने में काफ़ी हेल्प करता है। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम और सल्फर पाया जाता है, ये फूलों के रंग को डार्क करने में, पत्तियों में चमक लाने में और प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ को बूस्ट करने में हेल्प करता है। ह्यूमिक एसिड पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है। वैसे फर्टिलाइजर्स के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने कुछ टाइम पहले बनाया था, जिसका लिंक ऊपर राइट कॉर्नर में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को इस टब में एक साथ मिलाकर सॉइल मिक्स तैयार कर लेते हैं।
इसके बाद इस सॉइल मिक्स को किसी बोरी या पॉलीबैग से ढककर 4 दिन के लिए किसी छाया वाले स्थान पर रख देंगे। ऐसा करने से इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और इसके अंदर की गर्मी भी निकल जाएगी। 4 दिन बाद हम इस सॉइल मिक्स को प्लांट्स की रीपॉटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इस सॉइल मिक्स को ज़्यादा क्वांटिटी में कैसे बनाना है। मेरे पास जो पुरानी गमले की मिट्टी थी वो मैंने पहले सुखाकर साफ करके रखी थी और उसे हम इस नई मिट्टी में साथ मिक्स कर लेंगे। तो अब ये लगभग 10 बोरी मिट्टी हो गई है, जिसमें हम 5 बोरी मिट्टी के बराबर वर्मी कंपोस्ट और 5 बोरी मिट्टी के बराबर कोकोपीट मिलाएंगे। इसमें अब हम 250 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर मिलाएंगे। ये मिट्टी में बहुत सी बीमारियों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसमें हम 4 किलो बोन मील, 4 किलो सरसों खली का पाउडर और 4 किलो नीम खली मिलाएंगे। इसके साथ इसमें 500 ग्राम पोटाश, 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड ग्रैनुल्स, 500 ग्राम एप्सम सॉल्ट और 500 ग्राम DAP भी मिलाएंगे। इन सभी चीजों को एक साथ मिट्टी में डालकर इस ढेर को 4 बार मिक्स करना है ताकि ये सब आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। और फिर इस ढेर को 3-4 दिन के लिए किसी बड़े पॉलीबैग या तिरपाल से कवर करके रख दें, जिससे इस मिक्स की गर्मी निकल जाए और सारे न्यूट्रिएंट्स आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसके बाद आप इस सॉइल मिक्स को प्लांट्स की रीपॉटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों, गुलदाउदी का पॉटिंग मिक्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है। गुलदाउदी में मैक्सिमम फ्लावरिंग के लिए इसका पॉटिंग मिक्स हमें इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। इस पॉटिंग मिक्स को गुलदाउदी की रीपॉटिंग के लिए किस तरह से यूज़ करना है, इसका अपडेट हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो इसका नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर जल्द ही मिल जाएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लगातार मिलती रहती है, जिसे देखकर आप भी अपने गार्डन को हरा भरा रख सकते हैं, फूलों से सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।